जब हिंदुस्तान हमसे बात नहीं करना चाहता तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं। हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनकता करने चाहिए हिंदुस्तान से। जब कल वजीर आजम साहब ने यहां पे खड़े होकर अपोजिशन को सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, मैं हमले का ऐलान कर दूं, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात नहीं हुई, डिवाइडेड हाउस क्या है, हम लड़ना नहीं चाहते। लेकिन यह तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि हम लड़ने से भाग रहे हैं। लड़ने का मौका आया तो पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी जान अपना खून हथेली पर रख के लड़ेगा। जो अजय बसरिया साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, एक जालिम रजीम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब सफारतखारी होनी ही नहीं है, जब आपने हमसे बात ही नहीं करनी है, तो मुझे आप बताइए हम अपने सफीर को वहां भेजकर और पाकिस्तान उनके सफीर को यहां होस्ट करके सवाए इसके के एक दूसरे के पैसों पे खर्चा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आलमी बरादरी इस वक्त उनको रियलाइज कराए कि लंदन से वॉशिंगटन तक और रियाज से तेहरान तक अगर ये जंग हुई तो दुनिया के सब कैपिटल इस जंग की हिद्दत को महसूस करेंगे।